हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि इस फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी जानते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से इस फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम को बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे कि हमारे पास यहाँ पर फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से यहाँ पर एक एप्लीकेशन है। इसको हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम लोग लॉगिन कर लेंगे इस फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। तो अगर आप न्यू यूजर है तो यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करके आप साइनअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइनअप पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पर अपना पूरा डिटेल्स दे देंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर हम देते हैं फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम देते हैं, यूजर नेम दे देंगे यहाँ पर हम लोग, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस दे देंगे, इसके बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं और यहाँ पर हम लोग अपने लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सेम उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को देंगे जो अभी हम लोगों ने दिए हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड और लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन दिया हुआ है मेडिसिन का, उसके बाद बिल्स का, मैनेज सेलर्स का, उसके बाद एग्जिट का। तो यहाँ पर हम लोग मेडिसिन पर क्लिक करके अपने सभी मेडिसिन को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई भी मेडिसिन को यहाँ पर उसके आई डी से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग M01 को सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारा मेडिसिन आ चुका है। तो इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और नया मेडिसिन ऐड भी कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं डैशबोर्ड पर, यहाँ से हम लोग आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे में दिया हुआ है बिल्स का ऑप्शन। तो बिल्स पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे पास बिल्स हैं उन सभी को यहाँ पर आप देख पाएंगे और यहाँ पर आप नया बिल ऐड भी कर सकते हैं, उसके बाद पिछले किसी बिल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इनवॉइस नंबर के द्वारा सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं BL01, उसके बाद सर्च करते हैं यहाँ पर तो बिल नंबर आ चुका है यहाँ पर BL01। तो वापस आते हैं हम लोग डैशबोर्ड पर, यहाँ से आप सेलर्स पर भी जा सकते हैं या मेडिसिन पर भी जा सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो फिलहाल हम लोग वापस आते हैं डैशबोर्ड पर और यहाँ पर आपको मिलेगा मैनेज सेलर्स का ऑप्शन, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप अपने स्टोर्स के नए सेलर्स को आप ऐड कर सकते हैं या पुराने सेलर्स को यहाँ से उसका पूरा डिटेल्स यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सेलर्स का यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा, आप उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद उनका एड्रेस, नेम, A to Z आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं अपने सभी सेलर्स का। तो यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी सेलर को, अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम का एक सिंपल एप्लीकेशन है, इसको हम लोग बनाना जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम को वो भी बना सकता है जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जानता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पर और फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग एग्जिट करते हैं, यस पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लॉगिन फॉर्म का डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है विजुअल बेसिक को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड EX फाइल को लेते हैं, ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का ये हमारा बेसिक इंटरफेस है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म 1 ओपन हो चुका है। तो इसी फॉर्म में हम लोग लॉगिन पेज का डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, आपको इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, और साथ ही आपको प्रोग्रामिंग का भी वीडियो मिलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक में बिलिंग सिस्टम कैसे बनाएं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाएं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स का वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी प्रोग्राम्स का जो है कोड के साथ, डिजाइनिंग के साथ सभी कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलेगा। तो इन सभी ट्यूटोरियल्स वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी इन सभी वीडियोज को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक फ्रेम लेंगे। इसके बाद इसका हम लोग बॉर्डर स्टाइल चेंज कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग नॉन रखेंगे। इसके बाद इसका बैक कलर चेंज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 लेवल लेंगे और 2 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारा लेवल है और ये हमारा फ्रेम था। तो यहाँ से हम लोग लेवल को सिलेक्ट करते हैं
और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद वापस से लेवल को सिलेक्ट करेंगे और एक और लेवल ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ये जो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पर हम लोग दो टेक्स्ट बॉक्स लिए। इसके बाद दो कमांड बॉक्स लेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और लेवल लेंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी विंडो का ऑप्शन मिलेगा, ये जो है हमारा प्रॉपर्टी विंडो का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी विंडो हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। तो ये जो है हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, यानी कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उन सभी का यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लेवल को सिलेक्ट किए और इसके हम लोग प्रॉपर्टी विंडो में कैप्शन में जाएंगे। यहाँ पर कैप्शन मिलेगा, कैप्शन हम लोग चेंज करके यहाँ पर हम लोग दे देंगे न्यू यूजर। इसके बाद इसका हम लोग बैक स्टाइल चेंज कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे। उसके बाद इसका फोर कलर चेंज कर लेंगे। इसके बाद फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पर फॉन्ट मिलेगा, फॉन्ट साइज यहाँ पर 10 कर लेंगे, ओके कर लेते हैं। उसके बाद लेवल वन को सिलेक्ट करेंगे और लेवल वन में हम लोग दे देंगे यूजर आईडी। यहाँ पर कैप्शन में जाएंगे, कैप्शन में यहाँ पर दे देंगे यूजर आईडी। उसके बाद लेवल टू को सिलेक्ट करेंगे, लेवल टू के कैप्शन में देंगे पासवर्ड। उसके बाद इन दोनों लेवल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इनका बैक स्टाइल चेंज कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। उसके बाद इनका फोर कलर हम लोग चेंज कर लेंगे, फोर कलर यहाँ पर हम लोग वाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में हम लोग इनका फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे, 14 कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे और ओके। उसके बाद इनका ऑटो साइज हम लोग ट्रू कर लेंगे, यहाँ पर ऑटो साइज है ट्रू कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमको विथ मिलेगा, विथ यहाँ पर दे देंगे 3000। इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इनका हम लोग शिफ्ट प्लस एरो की सहायता से इनका हम लोग साइज एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट यहाँ पर है, टेक्स्ट में हम लोग इनका जो टेक्स्ट है इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, यानी कि डिलीट कर लेंगे। इसके बाद कमांड बटन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कमांड बटन है, इसके हम लोग कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे साइन अप। उसके बाद कमांड टू को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम लोग दे देंगे कैप्शन लॉग इन। इसके बाद इन दोनों बटन को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट साइज 14 कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे, ओके। इसके बाद इनको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कंट्रोल प्लस एरो की सहायता से। इसके बाद फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म में हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे, प्रॉपर्टी विंडो में पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग एलिप्सिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने एक पिक्चर जो है ड्रॉ करके रखा हुआ है, पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस एरो की सहायता से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद रन करते हैं तो यहाँ पर हमारा लॉगिन फॉर्म ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इस बैकग्राउंड में मैंने एक पिक्चर को इंसर्ट किया है। इस पिक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के इस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग साइन अप फॉर्म का डिजाइनिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए हम लोग जाएंगे फाइल्स में, फाइल्स में यहाँ पर आपको मिलेगा सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन, इसमें हम लोग जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग लोकेशन को चूज कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डेस्कटॉप पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, एमएससी मैनेजमेंट सिस्टम, ओपन करते हैं इसको और यहाँ पर हम लोग फाइल का नाम दे देंगे लॉगिन। उसके बाद सेव कर लेते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम हम लोग यहाँ पर दे देंगे एमएससी मैनेजमेंट सिस्टम, सेव कर लेंगे इसको भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लॉगिन फॉर्म बन चुका है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग साइन अप फॉर्म का डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद जो है इस लॉगिन फॉर्म में कोडिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और इस फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज के सभी वीडियोस टाइमली देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।